हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। दोस्तों, आज से हम नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया करने वाले हैं। तो आज हम जो है वो जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो स्टेट जो हैं उनके नेशनल पार्क्स करेंगे। इसके पहले अगर मैं आपको हैंड रिटन नोट्स, ये मेरे हैं, इस हैंड रिटन नोट्स को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। वहाँ से इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन इस बकवास को शुरू करने से पहले आपसे बात करते हैं। हाँ यार, बकवास ये टेलीग्राम चैनल नोट्स वगैरह, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे थोड़ा सा नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में हैं कौन कौन से नेशनल पार्क एंड लद्दाख में। तो सबसे हम पहले अगर बात करें लद्दाख की कि लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है, तो एक नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। डिटेल में भी बात करेंगे नोट्स के अनुसार, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, एक लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। इसके बाद अगर हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो हमको यहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं। एक मिलता है हमको किश्तवाड़ नेशनल पार्क, फिर एक मिलता है हमको यहाँ पे डाचीगाम नेशनल पार्क, एक मिलता है हमको सिटी फॉरेस्ट या जिसका दूसरा नाम है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। तो एक हमको मिलता है यहाँ पे काजी नाग भी है, यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, काजी नाग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में अपने हैंड रिटन नोट से मैं बात करने वाला हूँ। जम्मू कश्मीर का पहला नेशनल पार्क, अगर हम बात करें लद्दाख का पहला नेशनल पार्क और इकलौता नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में हमको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं होंगी। इस नेशनल पार्क की खास बात यह है कि नॉर्थ ऑफ हिमालयज में अकेला ये नेशनल पार्क है जो लाई करता है, यानी कि जो हिमालय का उत्तरी है ना, जो हिमालय का उत्तरी एरिया है उसमें अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो हेमिस नेशनल पार्क है। और हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, लद्दाख में। अपने भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क यानी कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया कौन सा है, वो भी हेमिस नेशनल पार्क है। ये भी चीज हमको याद रखनी है। बहुत सारे ट्रिक्स के साथ याद करने वाले हैं सारे नेशनल पार्क्स को, तो हमको रिवर्स याद करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हेमिस नेशनल पार्क से कौन कौन सी जो रिवर है वो पास आउट होंगी। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। देखो, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है यानी कि सादे नेशनल पार्क का सूरमा खान जिसे बोलते हैं, तो यानी कि इंडिया का सूरमा खान कौन है, हेमिस नेशनल पार्क। अगर इंडिया का सूरमा खान हेमिस नेशनल पार्क है तो यहाँ पे कुछ रिवर पाई जाएंगी। आप याद कर सकते हो इंडिया यानी कि इंदस। अरे लद्दाख में तो इंदस रिवर तो चलो वो एलिमिनेट कर भी सकते हैं हम कि हाँ भाई इंदस रिवर तो होगी ही होगी, ठीक है। ये हेमिस नेशनल पार्क है तो इसकी इंदस रिवर जो है वो इसकी नॉर्थन बाउंड्री बनाती है। अब इसकी अगर हम साउथर्न बाउंड्री की बात करें तो उसमें कौन कौन से आ जाएगी, सुमदहा, यानी कि सू से क्या बना, सुमदहा, ठीक है। एम से क्या बना, मालखा, और खान से क्या बना, रुम्बक रिवर, ठीक है। दोबारा से एक बार देख लो, सूर, सू से क्या बना, सुमदहा, ये रमा से क्या बना, रुम्बक, और खान से क्या बना, मालखा, है ना, मालखा रिवर, ठीक है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। रुम्बक चुम्बक सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे ज्यादा चुम्बक इसके पास होगी, तो उससे आपको रुम्बक रिवर जो है वो याद हो जाएगी। इस तरह से हम जो हेमिस नेशनल पार्क है वो याद हो गया होगा। लास्ट में भी एक बार रिविजन कर लेंगे। फ्लोरा और फौना की बात करें तो एल्पाइन काराकोरम रेंज में है, पाइन फॉरेस्ट जैसे ऐसे कुछ फॉरेस्ट वहां पे मिलेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। वहां पे अगर हम बात करें कुछ स्पीसीज की, तो स्नो लियोपार्ड मिलेगा जो वल्नरेबल है, अभी मैं आपको इनकी फिगर्स दिखाता हूँ कैसी है। आईवैक्स मिलेगा जो लीस्ट कंसर्न है, एंड भराल मिलेगा जो एंडेंजर्ड है। देखो, भराल अपने को कैसे याद करना है, अपने ना बचपन से दो तीन एनिमल है जिनको पढ़ाया, जैसे कि लॉयन, एलिफेंट, टाइगर, ये तीनों एंडेंजर्ड हैं, साथ में भलाल, है ना, भलाल। तो ये चारों एनिमल जो है ये एंडेंजर्ड हैं, लॉयन, एलिफेंट, टाइगर, भलाल, कैसे हैं ये चारों के चारों, कैसे हैं, एंडेंजर्ड एनिमल हैं। ये चीज हमको याद रखनी है। आप बोलोगे भाई इसकी इमेज दिखा दे, तो आपको लो ये इमेज आपके सामने आ गई, ये देखो स्नो लियोपार्ड, ये आपको दिख रहा होगा, है ना, ये चीता जैसा ही है। अब ये मैंने कैसी स्टेटस बताई थी स्नो लियोपार्ड की, जब तक बोलोगे नहीं जब तक याद नहीं हो पाएगा, वल्नरेबल। आईवैक्स की अभी मैंने कैसी बताई थी, आईवैक्स लीस्ट कंसर्न, याद करनी है ये, लीस्ट कंसर्न है। आईवैक्स कैसा है, लीस्ट कंसर्न। इसके बाद मैंने आपको एक और स्पीसीज बताई थी भदाल, है ना, भदाल, ये कैसा है, भदाल जो है वो कैसा है, एंडेंजर्ड। भदाल कैसा है, एंडेंजर्ड, समझ गए। हेमिस नेशनल पार्क इसके साथ हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट नेशनल पार्क करते हैं जम्मू कश्मीर का डाचीगाम नेशनल पार्क। बहुत नाम सुना होगा, जम्मू कश्मीर में है। देखो,
डाचीगाम के पीछे की ये कहानी है कि इसे डाचीगाम नेशनल पार्क को बनाने के लिए जो 10 विलेज यानी जो 10 गांव हैं उनका रिहैबिलिटेशन किया था। 10 है ना, डाचीगाम 10 तो वैसे याद हो जाएगा, तो यानी कि 10 सिर किसके होते हैं, 10 सिर वाला क्या करेगा, 10 सिर किसके होते हैं, रावड़ के। 10 सिर किसके होते हैं, रावड़ के। रावड़ हमेशा क्या करता है, मारता है। रावड़ क्या करता है, मारता है। तो यानी कि एक तो सिर हो गए, 10 क्या हो गए, एक तो सर हो गया, एक मार हो गया। तो यानी कि मार्शल लेक कहां पे है, डाचीगाम में। मार्शल लेक कहां पे है, डाचीगाम में। अरे भाई 10 सिर है जिसके तो मारेगा ना, तो कौन सी लेक होगी, मार्शल। कौन सी लेक होगी, मार्शल। फेमस किसके लिए है डाचीगाम, कश्मीरी स्टैग हंगुल के लिए बहुत फेमस है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। मैंने भी आपको इसका फिगर आपने देखा होगा, ये जो है ये वाला जो है ये है कश्मीरी स्टैग, ठीक है, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। भराल क्या बताया था मैंने अभी, एंडेंजर्ड। भराल क्या बताया था मैंने अभी, एंडेंजर्ड। इससे पहले आईवेक्स क्या बताया था मैंने अभी, लीस्ट कंसर्न। आईवेक्स क्या बताया था, लीस्ट कंसर्न। और स्नो लियोपॉड क्या बताया था मैंने आपको, बंदेवल। स्नो लियोपॉड क्या बताया था, बंदेवल। ये चीज अपने को याद हो गई, ठीक है। तो डाचीगाम में क्या मिलेगा हमको, हंगुल। और भाई ठंडा है डाचीगाम, हिमालय के एरिया में, तो हिमालय के एरिया में कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं उसमें ओक, पाइन, बर्च, एल्म, एप्पल, ईटीसी, ये सारी चीजें मिलती हैं। तो दोस्तों फिर हम नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं। नेक्स्ट नेशनल पार्क जो हो जाएगा वो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क हो जाएगा। अरे अभी तक आईवेक्स को तो नहीं भूल गए, आईवेक्स जो लिस्ट कंसर्न था। अरे अभी तक आप जो हंगुल है उसे तो नहीं भूल गए, हंगुल कैसा था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कहाँ पे पाया जाता था हंगुल, डाचीगाम में। कहाँ पे, अरे भाई जब वो मार रहा है डाचीगाम वाला, दस्तिल वाला, तो वहां पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड होगा। डाचीगाम में एक लेक पड़ी थी हमने, कौन सी, मार्शल लेक, याद है ना, भूल गए की, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क की। सलीम अली बहुत बड़े एक जो पक्षी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते रहते थे। उन्होंने बहुत सारे पक्षी के लिए, बहुत फेमस हैं बर्ड्स के लिए। जम्मू कश्मीर में ये नेशनल पार्क पाया जाता है। यहाँ पे एक हिमालयन मोनल, हिमालयन मोनल जम्मू कश्मीर में। देखो मैंने कैसे याद किया, ये अकेला आदमी जम्मू कश्मीर में, इन द सेंस हिमालयन मोनल तो बर्ड है यार, ये ध्यान रखना, ये बर्ड है, है ना, मैंने यहाँ भी लिख भी रखा है बर्ड है ये पक्षी। अभी फिगर दिखाऊंगा आपको, लेकिन याद कैसे करना है, मोनल जो है जम्मू कश्मीर के कौन से नेशनल पार्क के लिए फेमस है। पाया हरेक में जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक ही नेशनल पार्क में, वो कहीं दूसरे में नहीं जा सकता। लेकिन जैसे कश्मीरी स्टैग है, ये जो अभी हमने हंगुल पढ़ा था, जो कश्मीरी स्टैग पढ़ा है, ये डाचीगाम के लिए फेमस है। स्नो लियोपार्ड जो है वो हेमिस नेशनल पार्क के लिए फेमस है। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो दूसरे नेशनल पार्क में नहीं जा सकता, फेमस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हिमालयन मोनल जो है वो लिस्ट कंसर्न है, एक बर्ड। अब बर्ड इसे पता याद कैसे करोगे, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, सलीम अली किसके लिए फेमस थे, बर्ड्स के लिए। अरे यार इन्होंने बर्ड्स पे तो ध्यान दिया होगा, अगर इन्होंने बर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो वो लिस्ट कंसर्न इसीलिए तो, वो कम खतरे में इसीलिए तो है, ठीक है, क्योंकि हिमालयन मॉडल है। अब याद कैसे कर सकते हो, सलीम अली के नाम से। और क्या पाया जा सकता है, जैसे हंगुल, मस्क डियर, लियोपॉड, ये सब मिल सकते हैं यहां पे। एक हिमालयन सीडो मिलता है जो बंदेवल है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले नियर थ्रेटेंड था, एंटी का मतलब पहले ये नियर थ्रेटेंड था, लेकिन अब क्या है ये, वनलेवल, अब क्या है ये, वनलेवल, ठीक है। हिमालयन सी तो क्या है, वनलेवल। मैं आपको एक बार हिमालयन मॉनल दिखा देता हूं, है ना। अच्छा एक बार चलो हिमालयन मॉनल की बात करें, तो देखो ये रहा हिमालयन मॉनल है, ये कैसा है, लिस्ट कंसर्न, ये कैसा है, लिस्ट कंसर्न, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ब्लेडेड वल्चर जो है वो अभी आएगा, ब्लेडेड वल्चर जो है वो अभी आएगा, उसके बारे में अभी बात करेंगे थोड़ी देर में, याद कर लो जब तक, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं फिर, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। अच्छा किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आपको याद क्या करना है कि यहाँ पे ग्रेनाइट और नाइस जैसे कुछ रॉक्स जो हैं वो फोल्डेड होती हैं, इस मटेरियल की बनी होती हैं, और जो इस मटेरियल की बनी होगी वहां पे मार्बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। अरे मार्बल, घर में मार्बल लगवाते लगवाते किस्त भरनी पड़ जाती है कि नहीं भरनी पड़ जाती, तो मार्बल कहाँ पे मिलेगा, किश्तवाड़ नेशनल पार्क में, याद हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोलोगे कि यार हमें रिवर भी याद करा दो इसकी किश्तवाड़ नेशनल पार्क से। मैं पहले नाम बताता हूँ उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। पहली रिवर क्याल, दूसरी रिवर नाथ, तीसरी किवाल, ये तीनों मर्ज हो गई, इन्होंने बनाई मारवाड़ लेक। मार्शल लेक कहाँ पे पड़ी है हमने, मार्शल लेक पड़ी थी डाचीगाम में, मार्शल लेक कहाँ पे पड़ी थी डाचीगाम में। लेकिन ये मारवाड़ रिवर है, ये क्या है, रिवर, ये कहाँ पड़ रहे हैं हम, किश्तवाड़ में, अभी याद हो जाएगी। और ये लास्ट में मिल गई चेनाब रिवर, क्योंकि इसकी क्या थी, ये ट्रिब्यूटरी। अब आप पूछोगे ट्रिक क्या है, तो इसे ट्रिक को ऐसे याद करो,
कियादा के नाथ ने, कियादा आड़वाड़ी के नाथ ने, कियर से कियादा से किया देवल, नाथ मतलब नाथ रेवल, किवाड़ लगा के यानी कि किवाल देवल, किवाड़ लगा के माद लगाई यानी कि मादवाद देवल, माद लगाई तो किस्तों में, कहाँ की बात कर रहे हैं सादी, किस्तों में, कहाँ पे यानी कि किस्तवाड़ नेशनल पार्क, चीखे बाहर आई, चीखे का मतलब क्या है, चेनाब देवल। बोलो ठे की याद हुई कि नहीं हुई, दोबारा से याद कर लो, कियादा आड़वाड़ी के नाथ ने किवाड़ लगाकर, किवाड़ लगाकर माल लगाई तो किस्तों में चीखें बाहर आई। अब मैं एक बार बता देता हूँ दिलेशन क्या है, कियादा के, कियादा आड़वाड़ी मतलब कियाल, नाथ मतलब नाथ, किवाड़ मतलब किवाल, माद मतलब मादवाद देवल, किस्तों मतलब किस्तवाद देवल, चीखें मतलब चेनाब देवल। बोलो जय माता दी, याद हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे एक बियर्डेड वल्चर पाया जाता है जो मैंने अभी बोला था, इसे रट लेना भाई, है ना, ये कैसा है नियर चैटर्न, क्योंकि बल्चर ना, अभी हम बहुत सारे बल्चर पढ़ेंगे, कल मैं आपको बल्चर के बारे में बता दूंगा, ठीक है, ये बहुत सारे, एक नियर थ्रेटर्न मिलेगा, फिर आपको क्रिटिकली एंडेंजर्ड मिलेंगे, फिर एंडेंजर्ड मिलेंगे, इसकी कुछ आठ एक स्पीसीज है उनके बारे में हम पढ़ेंगे लास्ट। अब यार जब आपने इतना मुझे झेल लिया, अगर इस वीडियो में जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क को झेल लिया तो एक इसे भी झेल लो, काजीनाग नेशनल पार्क, अगर इसे झेलोगे तो झेल से कौन सी देवल है, झेलम देवल है, तो यानी कि इसे कौन सी देवल बन गई, झेलम देवल मिल गई, कौन सी देवल बनी, झेलम। मालखोर या हिमालयन मस्क डियर जो एंडेंजर्ड है वो भी यहाँ पाया जाता है, याद करा दूंगा स्पीसीज, ठीक है। अब एज ए रिविजन के रूप में मैं आपसे कुछ एक बातें कर लेता हूँ, मैं आपको एक बार रिविजन बता देता हूँ, ठीक है, आपने बताना है। हाँ तो दोस्तों रिवीजन की बात कर लेते हैं, लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, हैमिस, लार्जेस्ट नेशनल पार्क हैमिस, ठीक है। फिर मार्शल लेक कहाँ पे पाई जाती थी, डचीगम, दस से जिसके वही तो मारेगा, डचीगम, ये याद हुआ कि नहीं हुआ। मारवाड़ देवल कहाँ पे पड़ी थी हमने, किस्तवाड़ नेशनल पार्क, किस्तवाड़, केला के नाथ ने किवाड़ लगाकर माल लगाई, ठीक है, तो घर से बाहर चीखें। झेलम देवल कहाँ पे पड़ी थी, मैंने बोला था एक और नेशनल पार्क को झेल लो, काजीनाग, ठीक है। हंगुल कहाँ पे पड़ा था हमने, डाचीगम नेशनल पार्क में, हंगुल कहाँ पड़ा था, डाचीगम। मारवल कहाँ मिला था हमको, किस्तवाड़ नेशनल पार्क में। तो गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट फिर जो है हम उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तो हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बाकी सारे स्टेट जो हैं उसके नेशनल पार्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।